कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के शालीमार मार्केट के दुकान के संचालकों और कर्मचारियों से मारपीट के मामले में व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि शालीमार मार्केट के सभी व्यापारियों ने यहां पर विरोध जताया और कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ यहां पर FIR दर्ज कर ली है। व्यापारियों ने यह बताया कि गुरुवार को शालीमार मार्केट में कुछ युवक आपस में विवाद कर रहे थे और इस बीच दुकान के संचालक कमल पोपटानी ने युवकों को दुकान के बाहर से किनारे हटने को कहा। इसी दौरान युवकों ने दुकान के कर्मचारी गोलू पटेल से मारपीट कर दी। बीच बचाव करने पर दुकान संचालक को भी यहां पर पीटा। युवकों ने आसपास के अन्य दुकान संचालकों से भी मारपीट की, जिसके कारण सभी दुकान संचालक आक्रोशित हैं और शालीमार मार्केट बंद कर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। सभी व्यापारियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मारपीट करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है। हम छंकटाई रोड के व्यापारी हैं, शालीमार मार्केट ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स के ये जितने भी व्यापारी गण आए हैं आज थाने में, इसके लिए आए हैं कि वहाँ पर की ये रोज की घटनाएं हो रही है। इस टाइप की लोफर लड़के जो है व्यापारी को दरार धमका के पैसे छीनते हैं, ग्राहक जो आते हैं उनसे पैसे छीनते हैं, पर्स छीनते हैं, लूटपाट करते हैं। अभी आपके और जो आज की घटना है वो दुकान में एक मतलब छात्र लड़के के द्वारा मारपीट की गई है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और TI साहब से मिलने आए हैं और कार्रवाई ये मारपीट की है। कमल पोपटानी, किशन चंद खटवानी और उन्हें हमारा नाल सा गोलू पटेल, इनके साथ मारपीट की गई। तब हमारे व्यापारी सब भाई लोग आपस में इकट्ठे हुए शालीमार मार्केट में एक व्यक्ति द्वारा जो है कमल पोपटानी और गोलू पटेल के साथ में मारपीट की है, जिस पे जो है FIR दर्ज कर ली गई है। हाँ, शालीमार मार्केट से जो है सभी व्यापारी एकत्रित होकर आए थे, जिन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। क्या आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? सामान्य मारपीट का मामला है, आरोपी अभी नहीं मिला है, जल्द उसको पकड़ लेंगे।